इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अहंकार छोड़ दे और जो जहां जो पार्टी छोटी बड़ी पार्टी जहां चुनाव जीतने के लायक है आप नेक टू नेक करिए, हम इतना लड़ेंगे छोड़िए। आज सवाल 2025 का नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का है, सवाल इस देश के संविधान को बचाने का है, सवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, सवाल इस देश आने वाले समय में जो देश कंप्लीट रूप से कोलैप्स होने वाली उसको बचाने का है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहे सर्वे में भाजपा सरकार की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए और इंडिया गठबंधन को नसीहत देते हुए नजर आए पप्पू यादव। बता दें आपको कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि अपनी अहंकार छोड़कर ये लोग सही तरीके से जीतते हैं, जो जहां के काबिल है वहां से अगर उसको टिकट देते हैं तो ये लोग जीतेंगे। इससे पहले इन लोगों को अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसी के साथ इंडिया गठबंधन को नसीहत देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। जिस दिन इंडिया गठबंधन में सारे नेता नेक टू नेक कैंडिडेट को का चयन कर दिए कि जो जहां जीतने वाला है उसको दो, अब आप यहां ले आइएगा किसी बहुरूपीय को जो हमेशा बीजेपी का पार्ट बना हुआ है और उसको कहिएगा चुनाव लड़ाने के लिए दरभंगा में, तो चुनाव हारिएगा कि जीतिएगा, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। लेकिन आज भी जो बीजेपी का बहुरूपिया बना हुआ है, कभी भी आज भी जो सवाल खड़ा हो जाता है जदयू पर, कुछ लोगों के चलते खड़ा हो जाता है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अहंकार छोड़ दे और जो जहां जो पार्टी छोटी बड़ी पार्टी जहां चुनाव जीतने के लायक है आप नेक टू नेक करिए, हम इतना लड़ेंगे छोड़िए। आज सवाल 2025 का नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का है, सवाल इस देश के संविधान को बचाने का है, सवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, सवाल इस देश आने वाले समय में जो देश कंप्लीट रूप से कोलैप्स होने वाली उसको बचाने का है। इंडिया गठबंधन को के जो अन पार्टी है, सही उन्होंने कहा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, निश्चित रूप से इस देश में दलित और गरीब और वंचित को किसी को न किसी को प्रधानमंत्री घोषणा करना चाहिए, घोषणा करके लड़े, लड़के देखे दलित प्राइम मिनिस्टर या कोई अत्यंत पिछड़े में किसी को लड़ाइए भारत में, गलत कौन कहा? आप किसी को नीतीश जी बोल दिए आप तो आप उसी का कितना दिखा दें हम आपको, बीजेपी वाले का क्या क्या नहीं करते थे, जद्रोपा चुमा नहीं लिए थे सदन में, विधानसभा में जद्रोपा लेडीज को पकड़ के चुमा लिया था कि नहीं, वायरल हुआ था कि नहीं? आइए सुशील मोदी जो बोलता है, सुशील मोदी से जरा पूछिए तो पूर्णिया का जो विधायक मरा था तो क्या क्या आरोप लगा था, रूपम क्या क्या लगाई थी, बोल दे। खाली नीतीश कुमार के उल्टा जो मनाता है सो आप चलाते रहते हैं। सर भैया जो जिसको जहां जाना होगा, जिसको जहां रहना होगा आप रोकिएगा, जहां जिसको कंफर्ट होगा जाएंगे, किसी के जाने से देश में वोटर का जब मिजाज बनता है ना, किसी के आने जाने से ये चीज नहीं होती है, आप इसको समझिए। अब हमसे पूछिए न इंडिया गठबंधन है न कोई गठबंधन, हम अपने घर में लड़ रहे हैं ना, आवे ना मेरे घर में खून में आवे, हम तो वर्कर मीटिंग करते हैं तो लाख आदमी जुड़ता है, आइए ना भाई जिसको आना है, हम तो किसी गठबंधन के साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अब कैरियर है, जिस जगह नीतीश कुमार है, जो उन्होंने एक बेहतर चीजों की शुरुआत की, जननायक की ओर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी जननायक के पास पहुंच गए, 67% आरक्षण, आजादी जनगणना, 40 साल के बाद नीतीश कुमार
जेपी लोहिया को ना टप जाए तो मेरा नाम बदल दी। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव इंडिया गठबंधन को नसीहत देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो जहां के लायक है उसको अगर वहां से टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जीत उन लोगों की होगी। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी छोटे छोटे पार्टी है उन सबको मिलाकर चलना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आए जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव। और क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहते हुए नजर आए नीतीश कुमार को लेकर तो वहीं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुना आपने। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।